गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे आप अपनी ओल्ड साड़ी से ये अम्ब्रेला कट गाउन बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये गाउन बनाने के लिए यहाँ पे मैं ये ब्लू कलर का फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम बॉडी कट करेंगे, उसके लिए हम फोर फोल्ड में फोल्ड करके अपनी बॉडी की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं 16 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फॉर हेमिंग। मार्क करने के बाद मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं उसके बाद अपना टॉप प्लेस करूँगी, उसके बाद मैं आर्म होल साइज और नेक में मार्क कर लूंगी। नेक यहाँ पे मैंने लिया है 3 इंच। उसके बाद मार्क करने के बाद मैं उसे कट कर लूंगी। कट करने के बाद हम शोल्डर्स और नेक 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेम कर लिया है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने 4-4 में फोल्ड अपना कपड़ा प्लेस कर लिया। उसके बाद 10 इंच लंबाई अपनी स्लीव्स की रखूँगी और जो मेरा बॉटम है वो मैं रख रही हूँ 6 इंच। तो आप अपने नाप के हिसाब से कर सकते हैं और आप इसके ऊपर स्लीव रख के भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं ओपन साइड पे 3 इंच मार्क करूँगी, उसके ऊपर एक कर्वी शेप दे दूँगी और उसके बाद बॉटम से उस शेप को मिला लूँगी। इस तरह हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमारी स्लीव्स रेडी है, उसको हम अपने टॉप में मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों भी स्लीव इसमें ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह दोनों भी स्लीव्स ज्वाइन कर लिया है मैंने। उसके बाद हम अपने टॉप को फोल्ड करेंगे इस तरह और दोनों साइड्स भी हेम कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेम कर लिया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने बॉटम की तरफ। बॉटम को आपको फर्स्ट फोल्ड में फोल्ड करना है, उसके बाद इसे तिकोना शेप देना है जैसे हम अम्ब्रेला कट करते करेंगे। उसके बाद आपको बॉडी पे कोने पे प्लेस करना है और उसे मार्किंग दे देनी है इस तरह। इस तरह मार्किंग देने के बाद आपको लेंथ देखना है। तो यहाँ पर 28 इंच की लेंथ मैं ले रही हूँ, आप जितना भी लंबा चाहो ले सकते हो। ऊपर से मापेंगे तो यहाँ पे 36 जितना भी आता है आप ऊपर से मार्क करेंगे तो अच्छे से आप मार्किंग कर पाएंगे पूरी तरह इक्वली। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह मैं 36 इंच लेकर मार्क करके उसे कट कर लूँगी। यहाँ पे हमारी जो है बॉटम कट हो गया है अम्ब्रेला कट। उसके बाद दोनों साइड्स में हेम कर लूँगी और नीचे का बॉटम 1 इंच डाल के मैं हेम कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मैंने कर लिया है। उसके बाद हम टॉप को बॉडी से मिलाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं टॉप लूँगी और बॉटम को इस तरह फोल्ड करके आपको पूरे उसके अंदर मिला लेना है इस तरह, और उसके बाद आपको स्टिचिंग दे देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह आपको अंदर डाल के पूरे गोलाई में आपको स्टिचिंग दे देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग दे दी है। स्टिचिंग देने के बाद अब यहाँ पे मैं कुछ मिरर ऐड करूँगी इसे और प्रिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने मिरर ऐड कर लिया है और मिरर ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरा अम्ब्रेला कट गाउन बिल्कुल रेडी है। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें मैं आपके लिए किस तरह का वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।